पिछली बार आप बर्बाद थे, आज हम सोचे यहीं आ खेल ले जाए। बहुत शानदार। इस समय सीए को लेकर तमाम गतिरोध चल रहे हैं, आप किस तरफ देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की, लेकिन जनता समझती है। भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार दल होने के नाते हम लोगों ने भी ये ज़रूरत समझी कि इसके विषय में और भी लोगों को जागरूक किया जाए, और उसी श्रृंखला में अनेक तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हम लोग अपने गांव-गांव तक जाकर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के विषय में लोगों को बताया, पदयात्राएँ की हैं, आम सभाएँ भी होने वाली हैं। इसी क्रम में 18 तारीख को हमारे काशी क्षेत्र की भी सभा बनारस में प्रस्तावित है, तो उसको हम लोगों ने लोगों तक जाके बताया है। और जो लोग अब इतना तय है कि लोग राष्ट्रहित में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हर निर्णय के साथ खड़े हैं, और लगातार जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जो समाज को बांटने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भी जनता समय समय पर अपना जवाब देती। किस तरह की भ्रम है और क्या आप लोग समझा रहे हैं लोगों को? देखिए, एक तो सबसे सब बातों की एक बात कि ये नागरिकता कानून किसी से नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने के लिए कानून है। और जिस तरीके से अलग अलग वर्गों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रही है, ये लोग जानते हैं कि मुस्लिम वर्ग से भी बहुत सारे लोगों ने पिछले कई सालों में यहाँ की नागरिकता ली है, और जो भी उसके नियम कायदे हैं उसके अनुसार कोई भी यहाँ की सदस्यता ले सकता है, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न के कारण अगर जिस देश में वह रह रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो वहाँ से धार्मिक उत्पीड़न के कारण अगर वह अपने देश में आना चाहते हैं, जिसमें जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियंस, तो ऐसे सभी लोग इस यहाँ उनको नागरिकता इस कानून के तहत मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ कि इस निर्णय का आधार कहीं पर भी धर्म नहीं, बल्कि मैं धार्मिक नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें तो मानवीय आधार सबसे बड़ा है। दूसरा, जेएनयू में भी वर्तमान इस समय हिंसात्मक